हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉस्मिक फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम सीखेंगे अपने गाय भैंस के लिए, पशुओं के लिए रस्सी से मोहरी कैसे बनाएं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, अपने गाय भैंस के लिए रस्सी से मोहरी बनाने के लिए आपको ऐसी रस्सी लेनी है इस प्रकार। और रस्सी को देखिए, एक छोर को इस दूसरे छोर के ऊपर से क्रॉस में ऐसे डालना है, ऐसे क्रॉस बनाना है रस्सी का। और फिर ये एक सिरा इधर रखेंगे और दूसरे सिरों को पकड़ के, जो लंबा वाला सिरा, इसको ऐसे पकड़ के इसको एक क्रॉस बनाएंगे। इसको ऊपर, इसको पहले सिरे के ऊपर उठाते हुए, पहले इस दूसरे सिरे को पहले सिरे के ऊपर ऐसे क्रॉस में, जो ये एक रस्सी जा रही है इस तरफ, ये इस तरीके से गठान जैसे एक क्रॉस लगाना है। ये देखिए, इस प्रकार से ये एक रस्सी इधर हो गई। ये देखिए, एक रस्सी है। इसको अब इस जो गोलाई बनी हुई है, इस क्रॉस के बीच में जो गोलाई बनी हुई है, इसके बीच से इन दोनों को अंदर निकालना है, अंदर की तरफ। और जो सिरा, ये इसका जो रस्सी का जो पिछला एक सिरा है जिसका एक गोला बना हुआ है, उस गोले में ऊपर की तरफ से इसको रस्सी को डालना है। इस तरीके से रस्सी को डालना है, ये रस्सी को लेना है और फिर इसी रस्सी को इस गोले के अंदर से निकाल के इस रस्सी को फिर पुनः इस एक ऊपर वाले गोले में ऐसे ऊपर की तरफ निकाल लेना है। और फिर दोनों रस्सियों को चारों तरफ से इसको खींच के सीधा कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो ये तो हो गया मोहरी का पहला सिरा। ये देखिए, ये पूरी गठान लग चुकी है। ये देखिए, इस प्रकार से पूरी गठान लग चुकी है। अब बचा है हमारा ये सिरा। अब दूसरी तरफ गठान लगाने के लिए हम इसको रस्सी को उल्टा करेंगे। और ये देखिए, इस प्रकार से दो रस्सियां हमें मिल चुकी है और एक गोला बन चुका है जिसमें हमारे पशु का मुंह रहेगा। जितना बड़ा मुंह है उस हिसाब से हमें ये रखना है। और फिर एक और बार इसको क्या करना है, क्रॉस में इसको ये इस तरीके से क्रॉस करना है। और अब देखिए, इसमें से जो ये रस्सी, बड़ी वाली रस्सी है, इसको वापस बाहर निकाल लेना है, इस तरीके से बाहर निकाल लेना है। और जो ये दो रस्सियां बची है, अब इनको क्या करना है कि जो मुंह वाला हिस्सा है, जो पशु का जिसमें मुंह रहेगा, उस वाले हिस्से में इन दोनों रस्सियों को इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, इस तरीके से निकाल लेना है। और फिर वही उसी तरीके से जो पहली वाली रस्सी के, ये देखिए, ये एक गोला इधर बन चुका है। इस गोले में हमें इन दोनों रस्सियों को निकालना है। ये देखिए, दोनों रस्सियों को इस गोले में निकाल लेना है, बड़ी वाली और छोटी वाली दोनों रस्सियों को निकाल लेना है। और इसके बाद ये देखिए, इसमें निकालने के बाद पुनः जो एक और ये जो गोला है, इस गोले में से दोनों रस्सियों को फिर से निकाल लेना है। ये देखिए, ये अब इसको रस्सियों को चारों तरफ से टाइट कर लेंगे, कोई भी ढीली नहीं छोड़ना है रस्सी को। और जितना बड़ा हमारे जानवर का मुंह है, पशु का मुंह है, उतना ये स्पेस हमें रखना है बीच में और इसे टाइट कर लेना है रस्सियों को चारों तरफ से। जैसे कोई भी रस्सी अगर लूज हमें दिखाई दे रही है तो उसे इधर से इस पहली वाली गिटान से इसको टाइट करके निकाल लेना है, सही कर लेना है इसको। ये देखिए, इस प्रकार से कोई अगर रस्सी लूज रह गई है तो उसे आप रस्सी को देख करके इसे टाइट कर लीजिए। बहुत आसान उपाय है, बहुत आसान तरीके से मोहरी बन जाती है। और आप घर पे भी बना सकते हैं अपने गाय भैंस वगैरह जानवर के लिए, पशु के लिए ये मोहरी बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।